प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास टेंथ में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास टेंथ में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज हम ग्राफिकल मेथड की क्या कंडीशंस होती हैं, है ना, किस कंडीशंस में लाइन पैरेलल होते हैं, किस कंडीशंस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और किस कंडीशंस में लाइन क्वाइंसाइड होते हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लिखा गया है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन दैट पॉइंट इज ए यूनिक सोल्यूशन देन दैट पॉइंट इज ए यूनिक सोल्यूशन टू बोथ इक्वेशंस इन सच ए केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों, ये कह रहा है इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, देन तो दैट पॉइंट इज ए यूनिक सोल्यूशन टू बोथ इक्वेशंस, तो वो बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है, ठीक है। इन सच ए केस, इस स्थिति में द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। कंसिस्टेंट मीन्स होता है बच्चों संगत, क्या होता है इसकी मीनिंग होती है संगत। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है संगत, क्लियर। इसको हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यदि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, देन माने तब दैट पॉइंट इज ए यूनिक सोल्यूशन, तो वो बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इन सच ए केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट 10, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है, युग्म संगत होता है। समझ में आया? यस सर। दूसरा पॉइंट, इफ द लाइन क्वाइंसाइड देन इट हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस। ये कह रहा है यदि रेखाएं संपाती होती हैं, क्वाइंसाइड मीन्स क्या होता है बच्चों संपाती, क्वाइंसाइड मीन्स संपाती, इफ द लाइन क्वाइंसाइड देन इट है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके अपरिमित रूप से इनफाइनेटली मीन्स अपरिमित रूप से कई सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, समझ में आया, मेनी सोल्यूशंस अनेक सोल्यूशंस होते हैं, अनेक हल होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सोल्यूशन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सोल्यूशन, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु सोल्यूशन होता है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इन सच ए केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी क्या होता है संगत, क्या होता है बच्चों संगत। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित होता है यानी संगत होता है। तीसरा पॉइंट,
इफ द लाइन, इफ द लाइन आर पैरेलल, यदि लाइन क्या हो पैरेलल हो समांतर हो, इफ द लाइन आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन। कह रहा है यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का पेयर ऑफ इक्वेशन, समीकरण युग्म का पेयर ऑफ इक्वेशन मींस क्या हुआ बच्चों, समीकरण युग्म का है नो सोल्यूशन, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इन सच ए केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या होता है बच्चों, असंगत, इसको बोलेंगे असंगत, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मींस असंगत। इस पॉइंट को नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दें yes, प्रिय बच्चों, हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे, जो पॉइंट अभी हमने बोली है ना, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिए, पहली कंडीशन हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी द गिवेन इक्वेशन, बी द गिवेन इक्वेशंस, क्लियर। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन फॉर यूनिक यू एन आई क्यू यू ई यूनिक सोल्यूशन एस ओ एल U T I O N, कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। इसकी कंडीशन ये होती है बच्चों, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, समझ में आया बच्चों, इस कंडीशन को याद कर लीजिए, ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू। जैसे पहला इक्वेशन गिवन है एक्स का कोफिशियंट ए वन, इसमें बच्चों वाई का कोफिशियंट बी वन, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। इसी प्रकार इसमें एक्स का कोफिशियंट ए टू, वाई का कोफिशियंट बी टू, है ना, सी टू इज द कांस्टेंट टर्म, क्लियर, यानी वेरिएबल टर्म। अब ये कंडीशन होती है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। यहां पे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हमने लिया बच्चों 2x, 2x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरा है 3x, 3x प्लस 2y इक्वल टू ए, ये दूसरा इक्वेशन गिवन है। यहां पर कोफिशियंट हम लिख लेते हैं हियर, यहां पर कोफिशियंट क्या है, एक्स का कोफिशियंट टू, यानी ए वन बच्चों कितना गिवन है टू, वाई का कोफिशियंट
y का कोफिशियंट 1, यानी b1 इक्वल टू 1। जैसे y कहीं पर लिख दिया जाता है तो इसका कोफिशियंट 1 इंटू y होता है ना। y का कोफिशियंट क्या होता है बच्चों? 1 है, ठीक। y का कोफिशियंट 1, b1 1 हो गया, कामा c1 इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर 5, क्लियर। इसी प्रकार इसमें चेक कीजिए, a2 हमारा कितना है? 3 है, ठीक है। इसमें y का कोफिशियंट 2, यानी b2 हमारा कितना गिवन है बच्चों? 2। और c2 चेक करते हैं, c2 कितना है? 8 है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल इसको चेक किया जाता है, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, यानी a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लियर बच्चों? यस सर। आइए चेक करते हैं, ए वन इंप्लाइज दैट ए वन बाई ए टू, ए वन की वैल्यू क्या है? 2 है। ए टू की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है, ठीक है। इसी प्रकार चेक करते हैं बी वन बी टू को, बी वन बाई बी टू, यहां पर बी वन की वैल्यू क्या है? 1 है, और बी टू की वैल्यू क्या है? 2 है, यही तो है ना। यस सर। यहां पे कंडीशंस आ गई, सिंस लिखेंगे, सिंस 2 बाई 3 डज नॉट इक्वल टू बी वन, 2 बाई 3 डज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। समझ में आया? यस सर। इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग ये हो गई कि a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। समझ में आया? इसकी मीनिंग क्या हो गई? ये a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। अब इससे क्या कंडीशन निकला, लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशंस आर यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन एंड इट हैज कंसिस्टेंट CONSISTENT, consistent, ठीक है बच्चों? Yes sir. Its represent the intersecting line समझ में आ रहा है? जैसे हमारा ये x अक्ष है और ये क्या है बच्चों? y अक्ष, x o x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, x o x डैश x अक्ष एंड वर्टिकल लाइन y y डैश y एक्सिस, ठीक है। एक लाइन हम ये ले लेते हैं और एक लाइन हम ये ले लेते हैं, इस लाइन का नाम है L और इस लाइन का नाम है M, ठीक है। ये दोनों लाइनें यहाँ P पॉइंट पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम दे दिए P, है ना। इसलिए क्या है? यूनिक सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है? यस सर। ये लाइन L और लाइन M एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये सब इस इक्वेशंस का सलूशन क्या होगा? यूनिक सलूशंस, क्लियर। नोट कीजिए,
बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2 कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन कंडीशंस फॉर नो सोल्यूशन। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको आइए एग्जांपल के द्वारा चेक करते हैं। एग्जांपल 2x plus y equal to 5 एक इक्वेशन ये लेते हैं एंड दूसरा इक्वेशन गिवन है बच्चों 4x plus 2y equal to 8। ठीक है, इसमें Here, a1 क्या है 2, b1 क्या है बच्चों 1, c1 क्या है 5, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या है हमारा 4, b2 क्या है 2, ठीक है, और c2 जो है क्या है बच्चों 8, है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहां पे a1 by a2 चेक करते हैं, 2 by 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a1 by a2 कितना आया 1 by 2। अब चेक करते हैं b1 by b2 b1 कितना है बच्चों 1, b2 क्या है 2, ठीक है। अब चेक करते हैं c1 by c2 c1 क्या है 5 और ये क्या है 8। थोड़ा यहां पर कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन डज नॉट इक्वल टू ये होगा, ठीक है, c1 by c2। समझ में आ रहा है? यस सर। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में क्या होता है a1 a2 और b1 b2 के रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन c1 c2 के रेशियो जो है ना तो a1 a2 के रेशियो के इक्वल होता है और ना ही b1 b2 के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में आया? यस सर। ये इससे हमने क्या फाइंड किया, अगर देखा जाए तो यहां पर a1 a2 क्या आया है बच्चों 1 by 2 और b1 b2 भी क्या आया है 1 by 2, लेकिन c1 c2 क्या आया है 5 by 8, यानी डज नॉट इक्वल टू, है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला सिंस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 ठीक है। सो द गिवन इक्वेशंस आर नो सोल्यूशन सो द गिवन इक्वेशन आर नो सोल्यूशन एंड इट हैज इनकंसिस्टेंट
इट्स रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंट द लाइन्स आर पैरेलल द गिवन लाइन्स आर पैरेलल पी ए आर ए डबल एल ई एल। ठीक है बच्चों, यानी ये कंडीशन होगी, जैसे मान लीजिए हमने यक्स अक्ष खींचा और ये वाई अक्ष, ठीक है, यक्स ओ यक्स डैश यक्स अक्ष वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष, है ना। जैसे एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, ये लाइन है यल वन यल है, ये लाइन यल है बच्चों, और ये लाइन क्या है यम है, और दोनों लाइनें क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है इस कंडीशन में। समझ में आया? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, नंबर थ्री, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। आइए इसको भी चेक करते हैं। यानी ऐसी कंडीशंस में लाइन जो है क्वाइन साइड होती है, क्या होती है क्वाइन साइड होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती, जिसे हम क्वाइन साइड बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया यहां पर बच्चों 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको भी चेक करते हैं, पहले लिख लेते हैं हियर a1 बच्चों इसमें क्या है 2 है, b1 क्या है b1 1 है, c1 क्या है 5, क्लियर। a2 क्या गिवन है इसमें 4, B2 क्या गिवन है 2, C2 क्या गिवन है 10। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है बच्चों, A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल होगा, और B1 बाई B2 का रेशियो C1 बाई C2 के रेशियो के इक्वल होगा, C1 बाई C2 का रेशियो A1 बाई A2 के रेशियो के इक्वल होंगे। यानी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन में रेशियो इज द ऑलवेज बी सेम। रेशियो प्रत्येक कंडीशन में क्या होती है बच्चों, सेम होती है। अब इसको चेक करते हैं, a1 बाई a2 यानी 2/4, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। और चेक करते हैं b1 बाई b2 B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू क्या है 2, 1/2 रेशियो ये भी आ रहा है। अब तीसरा चेक करते हैं C1/C2, C1 5/10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 का रेशियो आ रहा है। हैं? समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कंडीशंस ये है कि ऑल कंडीशंस में 1/2 और 1/2 आ रहा है, ये तो आ रहा है, रेशियो क्या है सेम आ रहा है ना। यहां लिख देंगे हम सेंस
A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। समझ में आ रहा है? Yes sir। So the given linear equation given linear equation infinite many solution और इट हैज कंसिस्टेंट बच्चों अब देखिए इसके बहुत से जैसे हमने ये खींच लिया x अक्ष है और ये क्या है बच्चों y अक्ष है ये लाइन है ठीक ये लाइन l है इसी लाइन पर क्या है लाइन m भी है हैं l और m दोनों एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन l एंड m एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है यल एंड यम ठीक है इस लाइन पर एक सलूशन ये है ना मान लीजिए एक सलूशन ये आया P1 पॉइंट है ना ये भी सलूशन होगा एक पॉइंट आया P2 पॉइंट ये भी क्या होगा सलूशन होगा एक पॉइंट P3 आया ये भी क्या होगा सलूशन होगा है ना समझ में आया लाइन यल का सोल्यूशन P1 होगा तो लाइन यम का सोल्यूशन भी P1 होगा लाइन यल का सोल्यूशन P2 होगा तो लाइन यम का सोल्यूशन भी P2 होगा लाइन यल का सोल्यूशन P3 होगा तो लाइन यम का सोल्यूशन भी P3 होगा समझ में आ रहा है यानी सभी के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं x1, y1 अगर P2 है x2, y2 बहुत से सोल्यूशन आ रहे हैं P3 का कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहां पर x3, y3 समझ में आ रहा है बच्चों ये प्रिय बच्चों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर क्वेश्चंस की हम सब मिलकर आपस में प्रैक्टिस करेंगे ठीक है।